गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर विवेक लाइफस्टाइल। सो गाइस, आज हम नया ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, जो कि हम यहाँ नागपुर का जो सेकंड मॉल है एम्प्रेस मॉल, आज हम यहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे, आप लोग जैसे देख सकते हो। सो गाइस, आज हम अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो गाइस, यहाँ पे कैसा है, मतलब मैं सेकंड टाइम आया हूँ यहाँ पे, मैं कई बार आया नहीं हूँ यहाँ पे, बस सेकंड टाइम आया हूँ। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे देखेंगे क्या है कैसा है, और जो हमको लगता है वो हम यहाँ से अगर ले सकते हैं तो लेंगे, क्योंकि मुझे कुछ लेना तो नहीं ज़्यादा, आप लोगों से दिखाना है, और जो भी अगर मेरे काम की चीज़ रही तो एब्सोल्युटली जरूर हम लेंगे। सो गाइस, अभी हम अपना ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, और अभी हम चलते हैं यहाँ से, एंटर करते हैं साइड। गाइस, ये रहा एंट्री गेट गाइस। सो गाइस, अभी मैं यहाँ से अंदर आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने एंट्री गेट पर अपना कैमरा चार्ज नहीं किया था, क्योंकि अभी कोरोना काल का टाइम है, तो मुझे भी यहाँ पर मास्क लगाना पड़ रहा है, और यहाँ पे अंदर आया मैं, तो अभी सैनिटाइजर वगैरह लगाया, अभी अंदर आ चुका हूँ मैं, अभी आप लोगों को मॉल के अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ मैं। सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, एक्सेलेटर सीढ़ियाँ बंद है अभी, और मेरे फ्रेंड्स लोग भी हैं साथ में, मेरे दर्शन कैमरामैन जो रहता है हरदम, और ये हमारा दोस्त विशाल। अभी हम मॉल देख लिए हम लोगों ने, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। मॉल में ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, और ज़्यादा लोग ना होने के कारण यहाँ पे मतलब मज़ा भी नहीं आ रहा है मॉल में जैसा आना चाहिए। और थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर ज़्यादातर खुले नहीं है, बंद है बहुत सारे फ्लोर। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं अपना
मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं। मेट्रो अपना पहली बार मैं मेट्रो चढ़ने जा रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता मेट्रो कैसी रहती है। पहली बार चढ़ने जा रहा हूँ नागपुर में, जो मेट्रो अभी चालू हुई है तो मैं चढ़ा भी अभी तक बैठा भी नहीं उसमें, पहली बार जा रहा हूँ। सारी गाइस हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं मॉल से, और आपको दिखाएंगे मेट्रो स्टेशन के बारे में। छोटू हम फाइनली पहुँच चुके हैं मेट्रो रेलवे स्टेशन, और अभी हम घूमेंगे मेट्रो में, आपको पूरा नागपुर दिखाएंगे मेट्रो से। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे, और ये प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन से हमारा सेल्फी स्टिक ले लिया गया है, हमको सेलफोन कम से कम यूज़ करने के लिए बोला गया है, ट्रेन से वीडियो निकालने के लिए नहीं बोला गया है, फिर भी हम निकालेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन है, और इंस्ट्रक्शन मास्टर खड़े हुए हैं यहाँ पे तीन चार, सो आगे वीडियो दिखाएंगे आपको जैसे ही ट्रेन में बैठते पूरा नागपुर का नज़ारा हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल हम यहाँ से अभी एयरपोर्ट तक की टिकट लिया हम लोगों ने, कि यहाँ से बर्डी से एयरपोर्ट तक जाएंगे हम लोग, और वहाँ से वापस आएंगे वीडियो बनाते हुए। सो डूड फाइनली हम मेट्रो में बैठ गए हैं, और काफी मजा आ रहा है हमको मेट्रो में बैठ के, और फुल एसी है, एयर कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से भी हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट जाते ही हम आपको एयरपोर्ट का पूरा लुक दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे पूरा नज़ारा दिख रहा है, और गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पहली बार बैठा हुआ मेट्रो में, बहुत अच्छा लग रहा है, फुल एयर कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और गाइस नागपुर की पहली ऐसी मेट्रो है जिसमें पूरे इंडिया में पहली ऐसी मेट्रो जो विदाउट इलेक्ट्रिक चलती है, विदाउट सोलर सिस्टम से चलती है। इंडिया में पहली मेट्रो बनी हुई है नागपुर में जो सिर्फ सोलर सिस्टम चलती है, और आप देख सकते हो यहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से व्यू पूरे नागपुर का। और आगे मैं आपको हम फाइनली आ चुके हैं एयरपोर्ट स्टेशन, और मतलब काफ़ी मेरे बाल और ख़राब हो चुके हैं, मतलब मेरा शक्ल भी अच्छी नहीं दिख रही उतनी। सो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, और अभी यहाँ से रिटर्न टिकट निकालेंगे बर्डी के लिए, और रिटर्न बर्डी जाएंगे हम, और फिर आपको आगे बताएंगे। सो बर्डी फाइनली हम एयरपोर्ट स्टेशन से निकल रहे हैं, और हमने टिकट भी ले लिया बर्डी की, और हम यहाँ से निकलेंगे बर्डी, और बर्डी से फिर जाएंगे अपने घर। आप लोगों को मैं नागपुर की मेट्रो दिखाने के लिए पूरा मेट्रो स्टेशन घूमा हूँ, और नागपुर से लेकर एयरपोर्ट तक आया हूँ मैं, नागपुर के बाहर तक के। सो गाइस आगे आप लोग देखें, मैं आपको लोगों को आगे बात बताता हूँ और जाके। सो डूड फाइनली मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है, और आज हम बहुत सारी जगह घूमे, जैसे कि एम्प्रेस मॉल हो गया, और नागपुर की जो मेट्रो है उसमें भी हम लोग घूमे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और इतनी ज़्यादा धूप थी कि पूछो ही मत, इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैं वीडियो का लास्ट सीन भी वहाँ पे नहीं दिखा पाया मैं मेट्रो स्टेशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे शोर शराबा था, और उसमें मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी वीडियो में, इसलिए मैं घर पे आकर शूट कर रहा हूँ। और हाँ गाइस फरमाऊं मैं कि आज ही मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ नागपुर से, और आगे की जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो दिल्ली में ही जाकर बनाऊंगा, और ये भी नहीं पता मुझे कि मैं दिल्ली से कब वापस आऊंगा, शायद मैं 6 महीने भी रुक सकता हूँ, या फिर 1 साल भी रुक सकता हूँ, या फिर वहाँ पे जॉब भी लग सकती है मेरी। सो गाइस कंटिन्यू मेरी जो वीडियो बनेंगी अभी इसके बाद दिल्ली में ही बनेंगी। और गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, मैं इंस्टाग्राम की लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के ऊपर बोलने के ऊपर मैं वीडियो बनाते, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और गाइस चैनल को जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करें, और मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।